हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव मैकेनिक्स के एपिसोड 4 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मार्क को बॉडी लोशन लगाते हुए दिखाया जाता है। वी आकर उसके पास बैठता है और वो मार्क से कहता है कि वो उसे बॉडी लोशन लगा देगा। ये कहकर वो उसे वो ले लेता है और मार्क के हाथों पे लगाने लगता है। और इसे लगाने के दौरान वो मार्क के हाथ को स्मेल भी करने लगता है और कहता है कि अच्छी स्मेल आ रही है। और स्मेल करते हुए वो ऊपर जाने लगता है, ये कहकर कि जितना ऊपर जाने पे ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। ये सुनकर मार्क स्माइल करने लगता है, पर वो अपना हाथ हटा लेता है और वी से कहता है कि वो यहाँ कई रातों से रह रहा है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी उसे सैड होकर कहता है कि मार्क ने ही उसे कहा था कि जब वो मार्क के साथ रहे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ना सोचे। मार्क उसे सॉरी कहता है और वो उसे मनाने लगता है, जिससे वी स्माइल करता है और वो मार्क को जाकर सोने को कहता है। मार्क जाकर बेड पे सोने लगता है और वी सोफे पे सो जाता है, पर वो सही से सो नहीं पा रहा होता। मार्क ये नोटिस करता है और वी से कहता है कि क्या उसे कमर में दर्द नहीं होती सोफे पे सोने से। वी उठकर उसे कहता है तो क्या मार्क उसे बेड पे सोने देगा। मार्क उसे कहता है कि हाँ, पर अगर वो सिर्फ उसके पास सोएगा और कुछ और नहीं करेगा। वी उसके करीब आकर कहता है कि क्यों, क्या वो वी से डरता है। मार्क कहता है कि वो उससे डरता नहीं है और वी जैसा लड़का मार्क के साथ कुछ भी नहीं कर सकता जब मार्क होश में हो। वी उसे कहता है पर मार्क तो अभी होश में है। ये कहकर वो उसे किस करने के लिए उसके करीब आने लगता है, पर मार्क उसे सो जाने को कहता है। ये कहकर वो मुड़ जाता है। वी कहता है पर वो कहाँ पे सोएगा। मार्क उसे सोने के लिए जरा सी जगह देता है। वी कहता है क्या वो इतनी सी जगह पे सोएगा। मार्क उसे कहता है वो वहीं पे सोए, वरना उसे सोफे पे जाकर सोना होगा। वी वहाँ लेट जाता है, ये कहकर कि इससे ज्यादा जगह तो सोफे पे थी। मार्क स्माइल करके उसे गुड नाइट कहता है। वी उसके करीब आकर कहता है कि क्या वो उसे हक कर सकता है। मार्क उसकी बात मान जाता है तो वी उसे हक करता है और कहता है कि अब वो इससे ज्यादा जो कुछ भी करेगा उसकी परमिशन वो मार्क से नहीं मांगेगा। ये कहकर वो मार्क को जोर से हक कर लेता है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां मार्क की नींद खुलती है। तभी वी उसके पास ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मार्क खाना देखकर कहता है कि क्या ये खाना खाने के लायक है। वी कहता है कि मार्क उसका मजाक ना उड़ाए, वो एक सेफ का बेटा है। और वो मार्क को अपने हाथों से खिलाता है। मार्क को उसके हाथ का बना खाना पसंद आता है, पर वो उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करता। वी मार्क से कहता है कि अब मार्क भी उसके लिए खाना बनाएगा। मार्क उसे कहता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि मार्क को खाना बनाना आता होगा। वी कहता है पर वो उसके लिए नूडल्स तो बना सकता है। मार्क कहता है कि वो तो दुनिया में कोई भी बना सकता है। वी कहता है कि चाहे सारे लोग उसे बनाते हों, पर जो मार्क बनाएगा वो अलग होगा। मार्क उसकी ये बात सुनकर स्माइल करता है। तभी वी के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो मार्क की तरफ देखने लगता है। मार्क उसे कहता है कि वो कॉल पिक करे, कुछ जरूरी बात भी हो सकती है। तो वी कॉल रिसीव करके बाहर चला जाता है। मार्क को बुरा तो लगता है और वो सैड हो जाता है, पर वो वी को नहीं दिखाता और वो फेसबुक पे कुछ पोस्ट करता है। आगे वो दोनों साथ में कॉलेज पहुंचते हैं और उन्हें वी के फ्रेंड्स देख लेते हैं और वो लोग मिलकर उन्हें छेड़ने लगते हैं कि आजकल वो लोग हमेशा साथ में रहते हैं और साथ में आते जाते हैं। वी उनकी बातें सुनकर नर्वस होने लगता है, पर कहता है क्योंकि वो लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तभी वो दोनों साथ में आते जाते हैं। तभी एक फ्रेंड कहता है कि मार्क ने आज कुछ पोस्ट किया है, जिसे सुनकर मार्क घबरा जाता है। नोया मार्क से कहता है कि अगर वो सैड है या कोई ऐसी बात है तो वो नोया को बता सकता है। मार्क ये सारी बातें सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं है और उसने रात में एक सीरीज देखी
हुई थी, बस उसी के वजह से वो सैड था और उसी के लिए उसने वो पोस्ट किया। वी को कुछ भी समझ नहीं आता और मार्क वहाँ से जल्दी घबराकर चला जाता है। उसके जाते ही वे उसकी पोस्ट देखता है जो कि एक सैड पोस्ट होती है। आगे मार्क और उसके फ्रेंड्स को लाइब्रेरी पे दिखाया जाता है जहाँ वो सारे लोग मिलकर बुक्स ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग एग्जाम्स के लिए टेंशन में होते हैं कि एग्जाम्स आ चुके हैं और उन लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तभी वो लोग बुक्स ढूंढते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं और मार्क अकेला वहाँ पे बुक ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास वी आता है और कहता है कि क्या मार्क के पास साथ में पढ़ाई करने वाला फ्रेंड है। मार्क कहता है कि हाँ बहुत सारे फ्रेंड है। वी उसे कहता है पर कोई फ्रेंड से ज्यादा हो, उसके बारे में उसका क्या कहना है। मार्क उसे कहता है क्या वो प्लॉय के बारे में बात कर रहा है। वी उसे कहता है कि प्लॉय हमेशा अपने फ्रेंड्स के रूम पे पढ़ाई करती है एग्जाम्स के दौरान और वी और बार हमेशा साथ में पढ़ते हैं, पर इस बार अपने बॉयफ्रेंड के रूम पे पढ़ने वाला है तो वी भी वैसा ही करना चाहता है। मार्क उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और उसे पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। तो वी मार्क को रिक्वेस्ट करने लगता है और वो उसके सामने बहुत ही क्यूट हरकतें करने लगता है और वो मार्क को मनाने लगता है कि वो वी के साथ पढ़ाई करे। ये सब देखकर मार्क स्माइल करने लगता है। आगे उन दोनों को रोज साथ में पढ़ाई करते दिखाया जाता है पर हर बार वी बस मार्क के तरफ ही देख रहा होता है और वो दोनों साथ में बहुत ही प्यारा टाइम बिताने लगते हैं। वी कभी मार्क के पढ़ते वक्त गेम खेलने लगता तो कभी थक कर उसके पीठ पे सर रख कर सोने लगता, पर वो कभी भी मार्क को सही से पढ़ने नहीं देता और आखिरकार उसने मार्क को भी गेम खेलना सिखा दिया होता है और मार्क भी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ गेम खेलने लगता है। आगे एक रात वो मार्क को अपने साथ किसी जगह प्रे करवाने ले आता है और मार्क से बताता है कि उन दोनों ने सही से पढ़ाई नहीं की और वो दोनों बस साथ में गेम ही खेलते रहे और यहाँ प्रे करने से सारे लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं। मार्क उसे कहता है कि क्या इससे काम बनेगा। वी उसे कहता है कि बिल्कुल, और इसी से तो वो अपने थर्ड ईयर तक पहुँचा है। तभी वहाँ पे वी के सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो लोग भी मिलकर वहाँ प्रे करने लगते हैं। प्रे करने के बाद वी के फ्रेंड्स अपनी अगरबत्ती वहाँ लगाने जाते हैं जिससे उनके हाथों में चोट लग जाती है। ये देखकर वी मार्क के हाथों से उसकी अगरबत्ती ले लेता है और साथ में रखने जाता है। ये सारी चीज नोया और बार नोटिस करते हैं। तभी युवा मार्क को वहाँ पे लॉटरी के बारे में बताती है और कहती है कि इस लॉटरी में फ्यूचर के बारे में सच्ची बातें होती है और वो मार्क को ट्राई करने को कहती है। मार्क उसे ट्राई करता है और नोया मार्क के बिल्कुल करीब बैठा होता है और उसके करीब बैठकर उसकी वो लॉटरी देख रहा होता है। ये सब वी को अच्छा नहीं लगता और वो उठकर दूर जाकर खड़ा हो जाता है। बार ये नोटिस करता है और वो वी के पास जाता है। वो वहाँ जाकर उसे छेड़ने लगता है पर उसे कहता है कि प्लॉय कैसी है और सब कुछ कैसा चल रहा है। वी कहता है कि प्लॉय अपने फ्रेंड्स के साथ उनके रूम पे पढ़ाई करने गई है तो वी को उससे मिलने का मौका नहीं मिला। बार उसे कहता है कि उसे प्लॉय से जल्दी बात करनी चाहिए और ये सारे लोगों के लिए सही होगा। अगर वो ज्यादा टाइम तक ये सब छोड़ देगा तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आगे मार्क और वी को साथ में सोए हुए दिखाया जाता है पर वी सो नहीं पाता। मार्क उसे जगा देखकर कहता है कि क्या वी को नींद नहीं आ रही और एग्जाम्स के बाद तो वो अपने रूम पे ही सोएगा। वी उसे कहता है कि वो आज लास्ट नाइट यहाँ पे सो रहा है तो वो कुछ और करना चाहता है। मार्क कहता है कि उसके सपने में। वी उसे कहता है कि वो मार्क के सोने तक का इंतजार करेगा। मार्क कहता है कि वो वी के पहले नहीं सोएगा। वी कहता है कि वो हमेशा खराटे लेकर सो जाता है। मार्क उसे कहता है कि मार्क कभी भी खराटे नहीं लेता। आगे मार्क को खराटे लेकर सोते दिखाया जाता है। वी स्माइल करने लगता है और वो मार्क के करीब उसे किस करने आता है पर वो उसके माथे पे किस करता है। मार्क स्माइल करके कहता है तो वी सच में बिल्कुल भी हिम्मत वाला नहीं है। वी उसे कहता है क्योंकि मार्क एक्टिंग नहीं कर सकता। मार्क उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। वी उसे कहता है कि
की वी ये अभी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पहले कुछ बातें क्लियर करनी है। वो एग्जाम्स के बाद प्लॉय से ब्रेकअप कर लेगा। वो जानता है कि वी ये सब देर से कर रहा है, पर मार्क प्लीज उसका इंतजार करे। मार्क उसके बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो वी का इंतजार करेगा और वो जल्दी से मार्क के पास वापस आ जाए। आगे सारे लोगों को एग्जाम्स देते दिखाया जाता है और उनके सारे एग्जाम्स खत्म होते हैं। मार्क के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग साथ में सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, पर मार्क उन्हें कहता है कि वो आज फ्री नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होता है, जैसा कि उसने मार्क से कहा था कि वो एग्जाम्स के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेगा। वहीं मार्क नूडल्स लेकर अपने घर पे पहुंचता है और वो वी के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं वी की गर्लफ्रेंड अब तक नहीं आई होती तो वी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज और कॉल करने लगता है। तो वी को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है, तो वो वहाँ पे जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे लड़के के साथ कार पे थी और उन दोनों का साथ में एक्सीडेंट हुआ और वो अब भी बेहोश होती है। वी ये सारी बातें प्लॉय के मॉम को बता रहा होता है और प्लॉय के पास कोई भी नहीं होता तो मजबूरी में उसे प्लॉय के पास रुकना पड़ता है। वो मार्क को मैसेज करने जाता है, पर तभी उसका फोन भी बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह मार्क की नींद खुलती है और वो वी का इंतजार करते हुए वहीं बैठा बैठा ही सो गया था। वो देखता है कि वी अब तक नहीं आया तो वो वी को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। आगे मार्क को कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। वो सारे लोग बैठे पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर मार्क उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पे नोया और उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं। मार्क उन्हें देखकर उनके तरफ देखने लगता है कि शायद वी भी उनके साथ होगा और मार्क के फ्रेंड्स नोया को उनकी पढ़ाई में हेल्प करने को कहते हैं। नोया उनकी हेल्प करने जाता है, पर कहता है कि इसमें वी एक्सपर्ट है और वो यहाँ पे नहीं है। मार्क नोया से पूछता है कि वी कहाँ है, तो नोया उसे सारी बात बताता है कि वो हॉस्पिटल में है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ। और ये सब सुनकर मार्क सोचने लगता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वी की गर्लफ्रेंड की नींद खुलती है और वी वहाँ पे आता है। वी की गर्लफ्रेंड वी से उस लड़के के बारे में पूछती है कि वो लड़का कहाँ है जो उसके साथ कार में था। वी उसे कहता है कि वो दूसरे रूम पर है, वो ठीक है, क्या वो उससे मिलना चाहती है। उसकी गर्लफ्रेंड को ये सारी बातें सुनकर शर्म तो आती है कि उसने वी के साथ ये सारा सब कुछ किया। वो वी को कुछ कहने जाती है, पर वी उसे कहता है कि वी को ये सब कुछ कुछ टाइम से पता है। प्लॉय उसे माफी मांगने लगती है और वो रोने लगती है, पर वी उसे चुप कराता है। आगे वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर घर ले आता है और वो उसे उसके मेडिसिन और खाने की चीजें देकर वहाँ से जाने लगता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे जाने नहीं देती और उसे रोकती है। वी उससे बातें नहीं कर पाता और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो बालकनी पे जाकर खड़ा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे उस लड़के के बारे में बताने लगती है कि उसका नाम क्या है और वो उसका कॉलेज का सीनियर है। वो ये भी जानता है कि वी उसका बॉयफ्रेंड है, पर इसके बाद भी वो प्लॉय को डेट करना चाहता था। वी उसे कहता है तो क्या वो फिर भी उससे बात किया करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो लड़का उसे नई नई जगह ले जाया करता था जहां वो कभी भी नहीं गई। वी उसे कहता है कि क्या वो उसे महंगी चीजें भी दिलाता था जो वी उसे नहीं दिला सकता। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो उसके साथ बस टाइम पास कर रही थी, पर बाद में वो उसे लाइक करने लगी। वी उसे पूछता है कि ये सब कब से शुरू हुआ। प्लॉय कहती है कि 2 महीनों से, और कहती है कि वो लड़का प्लॉय को लेकर सीरियस नहीं है, वो कई सारी लड़कियों को घुमाता है। तभी तो उसने प्लॉय को अब तक कॉल नहीं किया क्योंकि वो उसकी परवाह नहीं करता। वी उसे कहता है कि मतलब वो अब भी उसका इंतजार कर रही है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि नहीं, उसे अब रियलाइज हो चुका है कि वी ही उसके लिए सही है जो वो अब भी उसके साथ है। ये कहकर वो उसे पीछे से हग करती है और माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि वी उससे ब्रेकअप ना करे। वी रोने लगता
जाता है और मार्क अपनी बालकनी से ये सब देखता है और वो उन दोनों को साथ देखकर रोने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि दिन बीत रहे होते हैं और वे हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसका ख्याल रखता है। वो उसे साथ में कॉलेज छोड़ने जाता है। वही मार्क को हमेशा अकेले दिखाया जाता है। एक रात वे प्लॉय के साथ सोया होता है, वही दूसरी तरफ मार्क को बहुत ही रोते हुए सोते दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। वे उठकर कुछ पल के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास से जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड के पास उसे लड़के का मैसेज आता है। वो उठकर उसे चेक करती है और वापस फोन अपनी जगह पे रखकर सो जाती है और वी वापस आकर उसके पास सोता है। आगे हमें एक शाम नोया और उसके दो फ्रेंड्स को क्लब पे दिखाया जाता है। तभी नोया वहाँ पे मार्क को अकेला बैठा ड्रिंक करते देखता है। वो अपने फ्रेंड्स को टेबल ढूंढने भेजता है और मार्क के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, क्या मार्क किसी बात से परेशान है। मार्क उसे कहता है कि वो यहाँ पे बस सेलिब्रेट कर रहा है किसी इंसान की खुशियों के लिए, कि उस इंसान को अब खुश रहना चाहिए। नोया उसे कहता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगा। वहीं दूसरी तरफ भी अपनी गर्लफ्रेंड के रूम पे होता है। उसकी गर्लफ्रेंड वॉशरूम जाती है, तभी वहाँ पे वही लड़का आता है। वे उसे कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया। वो लड़का कहता है कि उसे प्लॉय से बात करनी है। उसकी गर्लफ्रेंड आकर उस लड़के को जाने को कहती है और कहती है कि उसे उससे कोई भी बात नहीं करनी। वो लड़का प्लॉय से माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे रियलाइज हो गया कि वो दोनों आपस में प्यार करते थे और प्लॉय बाकी सारी लड़कियों से अलग है। वे वहीं पे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है और वे की हालत खराब होने लगती है। वो लड़का प्लॉय से कहता है कि वो चाहता है कि प्लॉय खुद चुने कि वो उन दोनों में से किस इंसान के साथ सच में रहना चाहती है। वी अपनी गर्लफ्रेंड को उस लड़के से बात करने को कहता है। ये कहकर वो बालकनी पे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो मार्क की बालकनी पे मार्क और नोया को साथ में देखता है। वो दोनों हंसकर बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर वी रोने लगता है। मार्क उसे वहाँ देखकर नोया को अपने साथ अंदर ले जाता है। वी की गर्लफ्रेंड और वो लड़का आपस में हग करने लगते हैं। ये देखकर वी की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। वहीं मार्क नोया को घर जाने को कहता है कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो उसे घर जाना चाहिए, पर नोया कहता है कि उसे भूख लगी है और कहता है कि क्या मार्क के पास खाने के लिए कुछ है। मार्क उसके लिए फ्रिज पे चेक करता है पर कहता है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी नोया की नज़र उन्हें नूडल्स पे जाती है और वो कहता है कि वो उसे खा लेगा, पर मार्क घबरा कर नोया के हाथ से वो नूडल्स छीन लेता है। वो नोया से माफी मांगता है और कहता है कि उसने अपने लिए रखा है। नोया को बुरा तो लगता है पर वो स्माइल करके अपने घर चला जाता है और मार्क उन नूडल्स को हग कर लेता है। आगे वी और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में बैठे दिखाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड वी को सॉरी कहती है कि जो कुछ भी उसके सामने हुआ। वी कहता है कि अब तो वो जान चुकी है कि वो लड़का भी उससे प्यार करता है, तो वो खुद डिसाइड करे कि उसका दिल सच में क्या चाहता है और वो किससे प्यार करती है। प्लॉय कहती है कि वो ब्रेक चाहती है ताकि वो अपने दिल की बात समझ सके। वी उसकी बात मान लेता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग वी अपनी चीजें लेकर जा रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड सोई होती है, तभी उससे वही परफ्यूम टकरा कर टूट जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं और प्लॉय उसे साफ कर लेगी और वी वहाँ से चला जाता है। आगे वी को अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम उसे खाने के लिए आवाज लगा रही होती है, उसे बहुत ही प्यार से बुला रही होती है, पर वी अपने रूम का गेट नहीं खोलता। आगे रात में उसे ड्रिंक करते दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी उसके पास उसका भाई आता है और उसे कहता है कि उसे क्या हुआ, क्या उसका ब्रेकअप हो गया। वी कहता है कि प्लॉय ने उसे ब्रेक लेने को कहा। उसका भाई कहता
जाता है तो वे मूव ऑन करे और वे जाकर वॉमिट करने लगता है। उसका भाई उसके पास होता है और वो वी को संभाल रहा होता है। वी कहता है कि सारे लोगों ने वी को छोड़ दिया और वी के पास अब कोई भी नहीं बचा, उसके पास अब कोई भी नहीं है। उसका भाई कहता है कि उसे ये सब किसने कहा और उसे क्या लगता है कि फ्रिज में इतने सारे बियर क्यों हैं? क्योंकि मॉम ने ही बोला था कि वो बियर खरीद कर वी के लिए फ्रिज में रखे और उन्होंने वॉशरूम भी क्लीन करने को कहा ताकि वी यहाँ पे वॉमिट करे, तो वी ऐसा ना कहे कि उसके पास कोई भी नहीं है, उसके पास अब भी उसकी फैमिली है। ये कहकर वो उसे संभालता है और हक करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे वी को उसके फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में दिखाया जाता है और वो लोग उसे प्लॉय से ब्रेकअप करने को कहते हैं और कहते हैं कि वी की अच्छाइयों का ही वो फायदा उठा रही है और वो लोग खुद वी के लिए परेशान होने लगते हैं। नोया कहता है कि वो लोग नाइट में क्लब पे चलेंगे वी का मूड ठीक करने के लिए और ये नोया की तरफ से ट्रीट होगी। आगे उन सारे लोगों को इवनिंग में क्लब पे दिखाया जाता है और वो सारे लोग मिलकर वी को ड्रिंक करने के लिए चेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मार्क अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और उसे युवा देख लेती है। वो उन सारे लोगों को अपने पास बुलाने लगती है। मार्क वी को वहाँ देखकर नर्वस हो जाता है पर वो आकर उन सारे लोगों के साथ बैठता है। नया मार्क को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है और वो उससे प्यार से बातें करने लगता है। ये सब देखकर उनके फ्रेंड्स नया को छेड़ने लगते हैं। वे बैठा ये सब देख रहा होता है और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन दोनों को साथ में बातें करते देखकर वो ज्यादा करके ड्रिंक करने लगता है। ये सब देखकर मार्क वी की तरफ देखने लगता है और उसे वी की परवाह होने लगती है। आगे वी को वॉशरूम पे दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे मार्क आता है और वी को उस हालत में देखकर मार्क की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वी वहाँ पे काफी ज्यादा वॉमिट करने लगता है। आगे मॉर्निंग में वी की नींद मार्क के रूम पे खुलती है। मार्क उसे सारी बातें बताता है कि वी वॉमिट करते करते वॉशरूम पे ही सो गया था, तो उसने वी के फ्रेंड्स को कहा कि वो उसे यहाँ पे ले आए, कम से कम यहाँ पे उसके कपड़े हैं। और वी ने अपना पूरा शर्ट वॉमिट से गंदा कर दिया था तो मार्क ने उसे चेंज कर दिया। वी मार्क को सॉरी कहता है कि वी के वजह से मार्क को जरूर परेशानी हुई होगी, वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मार्क उसका टी शर्ट पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि वी ने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया मार्क के पास वापस आने में, और वी ने ही तो उसे कहा था कि मार्क उसका इंतजार करे। वी उसे कहता है पर नोया का क्या। मार्क कहता है कि उस रात मार्क बहुत नशे में था तो नोया उसे बस घर तक छोड़ने आया था। वी उसे कहता है कि क्या मार्क सच में उसका अब भी इंतजार कर रहा था और क्या सच में वी मार्क के पास आ सकता है। मार्क उसे कहता है कि क्या वी अभी किसी के साथ है। वी मार्क को हक कर लेता है और वो बहुत रोने लगता है। मार्क उसे संभालता है और कहता है कि जब मार्क तकलीफ में था तो वी ने मार्क को संभाला था और इस बार मार्क वी का ख्याल रखेगा। ये कहकर वो उसे बहुत ही जोर से हक करता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।